उनसे भी मिली, उनको भी उन्होंने सांत्वना दी और उनसे भी उन्होंने धैर्य बांधने की बात की है कि हम आपकी इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं और जो सरकार की तरफ से मदद होगी उसको उसके लिए भी उन्होंने माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को तुरंत आदेश दिए कि इसमें कोई कुताही नहीं होनी चाहिए, कोई देरी नहीं होनी चाहिए, प्रभावित परिवारों को जल्दी से जल्दी राहत दी जाए, ये उन्होंने निर्देश दिए। कल वो मनाली तक जाकर आई, जितना भी नेशनल हाईवे डैमेज हुए हैं वहाँ के परिवार के सदस्य जो प्रभावित हुए हैं उनसे भी मिली, उनसे भी उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर बातचीत की और उनको सांत्वना दी कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। अंत में एक द्रंग क्षेत्र का एक दौरा था और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वहाँ भी वो पहुँची और वहाँ भी उन्होंने उन परिवारों को संवेदना प्रकट की कि आपका घर बाहर चला गया, हम आपको दोबारा स्थापित करने के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठा रहे हैं और उसमें सरकार भी काम कर रही है, सरकार के निर्देश के मुताबिक आपको तुरंत थोड़ी बहुत राशि दी गई है और जिनके घर चले गए हैं, जिनके घरों में दरारें आ गई हैं उन परिवारों को भी उचित पैसा दिया जाएगा। देखिए, मैंने पिछली बार जब मैं सांसद बनकर अभी पार्लियामेंट अटेंड करने गई तो ये मेरा कर्तव्य था कि मैं वहाँ पर अपनी बात रखूँ, पर आप जानते हैं कि वहाँ मुझे मौका नहीं मिला। मणिपुर इशू बहुत ज़्यादा था इसलिए हमें अपनी बात कहने का टाइम नहीं मिला और प्रधानमंत्री को मिलना तो बहुत कठिन कार्य है, पर फिर भी मैंने जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन जी उनसे भी आग्रह किया कि ऐसे वक्त में आप हमारी मदद करें। उन्होंने कहा आप तुरंत एक मुझे भी चिट्ठी लिखें, होम मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखें और हम इसमें अवश्य हिमाचल प्रदेश की मदद करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अब कितना अनाउंस करते हैं, कितना देते हैं, दैट इज़ फॉर द प्राइम मिनिस्टर। ऑब्वियसली मैं इसीलिए उत्सुक हूँ कि हमारे को मौका मिलना चाहिए और हमें इतनी बड़ी त्रासदी हिमाचल में हुई है, वो हिमाचल प्रदेश जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह के गए पिछले इलेक्शन के दौरान कि ये मेरा दूसरा घर है और आप दूसरे घर की तरफ देख भी नहीं रहे हैं कि उस वहाँ कितनी त्रासदी होगी, कितना नुकसान हो गया, इसकी स्टेट गवर्नमेंट इसकी भरपाई नहीं कर सकती, उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे थे कि आप हमारी बात सुने और आपकी मदद के बिना हम इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपकी मदद हमको इस क्षण में अवश्य चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता की आवाज़ को सुनते हुए प्रधानमंत्री अवश्य हमारी बात को सुनेंगे और इस पर उनको तुरंत धनराशि भी घोषित करनी चाहिए और जो यहाँ पर त्रासदी हुई है उसके लिए संवेदना भी प्रकट करनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री जिन्होंने इसको अपना दूसरा घर माना, यहाँ के लोगों को ये कहा आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो परिवार के सदस्य आज त्राही त्राही कर रहे हैं, जगह जगह इतना उपद्रव हो गया है उसमें आज उनके प्रति उनकी तरफ से कोई दो शब्द भी नहीं आए, जिसका हमें खेद भी है, दुख भी है, पर फिर भी हम बार बार इस इशू को उनके सामने रखते रहेंगे। ये भी बहुत दुख की बात है कि जहाँ हमारा किसान बागवान प्रभावित हो रहा है, किसानों को इस वक्त राहत चाहिए क्योंकि उनके खेत खलिहान चले गए, उनकी ज़मीनें दह गई और उसी तरह से जो बागवान हैं उनका सेब जो अभी तैयार हुआ है उसको उन्होंने मार्केट में पहुंचाना है, उसके लिए हम PWD विभाग का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने तुरंत हर जगह में सड़कें दुरुस्त की है और आवागमन गाड़ियों का किया है ताकि उनका सेब ना फंसे। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर एक निर्णय लिया है वो दुखद घटना है कि आप हमारे बागवानों की चिंता नहीं कर रहे, आप अमेरिका के सेब की बात कर रहे हैं और उनको आप इस वक्त में आप उनकी इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की आपने बात की है, तो इसलिए हमने ये इशू भी प्रियंका जी ने उठाया है और उन्होंने कहा है कि हम इस बात को अवश्य सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखेंगे और अपनी बात कहकर मैं ये बात सुना।
ज़्यादा भारी नुकसान देखा है। और हमने कल भी कहा कि ये एक ऐसा मौका है जब कि सबको एकजुट होकर एक साथ इस आपदा का सामना करना है, कर रहे हैं। और हिमाचल की जनता जो है, हिमाचल की सरकार है, उनकी जो भावना रही है वो एक पूरे देश के लिए एक मिसाल है। क्योंकि रास्ते में भी कल जहाँ जहाँ मैं जा रही थी, मैंने देखा कुछ जगह कुछ महिलाएं श्रमदान कर रही थी, सड़क बनाने की मदद कर रही थी। आगे गए कुछ छोटे छोटे व्यापारी थे, उन्होंने चेक्स दिए, चंदा दिया कि जिनका नुकसान हुआ है उनकी मदद हो जाए, जबकि उनका खुद का नुकसान हुआ था। तो इस तरह की जो भावना है हिमाचल की जनता की, इसी भावना को लेकर ही सरकार ने काम किया। मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, तमाम मंत्री खड़े हैं, उन्होंने 24 घंटे आपदा के समय भी और उसके बाद से भी काम कर रहे हैं। और काफ़ी उन्होंने अनाउंस भी किया है किस तरह से मदद कर पाएंगे, जहाँ जहाँ कॉम्पनसेशन देना है उसकी पूरी लिस्ट कल मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, बना भी चुके हैं और देना शुरू भी हुआ। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं बार बार, इसको नेशनल डिजास्टर मतलब राष्ट्रीय आपदा अगर घोषित कर दे केंद्र सरकार, तो इससे बहुत प्रदेश का फायदा हो सकता है और मदद हो सकती है इससे। बल्कि उनकी जो पॉलिसियाँ हैं वो थोड़ी सी ऐसे लग रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है यहाँ। क्योंकि कल भी मैंने देखा कि शायद G20 में जो सेब का इम्पोर्ट है अमेरिका से, उस पर ड्यूटी इन्होंने 25% या 20% कम कर दी है, 35 से 15 तक आ गई है। इसका मतलब है कि सेब का आयात आसान कर दिया है, जबकि यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं शिमला में खासतौर से जो सेब की पेटियाँ खरीद रहे हैं, उनका दाम उन्होंने घटा दिया। मतलब कि यहाँ के किसानों को कम मिल रहा है। आपदा के से वैसे भी नुकसान हुआ है, उनकी मदद करने के बजाय आप अमेरिका के किसानों की मदद कर रहे हैं। तो ये बातें हमें समझ में नहीं आ रही। और हम चाहते हैं कि केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री जी थोड़ा गौर करें, यहाँ देखें कि किस तरह से मदद कर सकते हैं, खासतौर से जिनका नुकसान हुआ है। अगर इसको नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया जाए तो बहुत सुविधा हो सकती है जिनका नुकसान हुआ। अब स्पेशल सेशन हो रहा है पार्लियामेंट का, विल यू बी टेकिंग अप दिस इशू? द कांग्रेस पार्टी विल इट बी टेकिंग इन द पार्लियामेंट? आई थिंक इन फैक्ट प्रतिभा जी यस्टरडे वाज मेंशनिंग दैट शी वुड लाइक टू टेक इट अप इन पार्लियामेंट। वी डोंट नो व्हाट द स्पेशल सेशन विल बी अबाउट, whether they will allow these issues to come up. But we were discussing that even if that doesn't happen, a representation should go to the central government, and we will all put our strength in that and try to convince the government that they must declare it a national disaster zone, because it is only certain things can only be done by central government. The national highway, for example, that is in a bad condition. That can only be fixed by the National Highway Authority. And there are certain many other things that are in the prerogative of the central government. And this is not a time, कल भी मैंने कहा ये कोई समय नहीं है कि ना हमें राजनीति करनी है इस पर, और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई और भी करना चाहेगा। इस समय ये समय नहीं है कि वो देखे कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की सरकार है। ये एक ऐसा समय है जहाँ इस तरह की जो आपदा आई है पहले कभी नहीं हुआ है ऐसे, और लोग इतने परेशान हैं, इतने त्रस्त हैं, उनकी मदद करने के लिए सबको आगे आना चाहिए। इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार को भी ये समझना चाहिए, हम तो वैसे भी कर ही रहे हैं जितना हम कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।